हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 7 हॉलीवुड हॉरर मूवी की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन स्टोरी और एक्टिंग के दम पे काफी पॉपुलर हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे घोस्ट मशीन, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.8 out of 10। इस मूवी की स्टोरी की एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसमें एक ऐसी डिवाइस होता है जिसमें भूतों को डिटेक्ट करके उसको पकड़ सकते हैं। तो लोग 5 फ्रेंड मिलकर ऐसी खंडहर पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। तो वो लोग अपने डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं और भूतों को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों का ऐसे भूत सामना होता है ना, जो बहुत ही खतरनाक होती है। तो शायद ही आपने इस टाइप से मूवी देखे होंगे जिसमें मतलब भूतों को कोई डिवाइस से पकड़ सके, डिटेक्ट करते हैं, अलग चीज़ है। और मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन, व्हाट आर यू अप टू इन द सेम बिल्डिंग? व्हो, दिस इज अ सिक्योरिटी मैटर। इक्विपमेंट्स गॉन मिसिंग फ्रॉम माय बेस। फुल कॉम्बैट द वर्क्स बेबी। That looked like a woman. Something there. There's nothing there, kid. Who is she? Oh my god. Oh god. Number 6 पे The Possessor of Hannah Grace, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 out of 10। ये एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है। इसमें एक लड़की होती है जिसका काम होता है हॉस्पिटल में डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन करना। तो कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल में ऐसे डेड बॉडी आता है जिसका आइडेंटिफिकेशन करना इतना भी आसान नहीं होता है, मतलब बहुत ही टफ होता है। तो उसके बाद ऐसा डेड बॉडी आता है जिसके अंदर ना अनआइडेंटिफाइड एनर्जी होती है, मतलब भूतिया होती है। तो वहाँ बहुत कम लोग होते हैं और मतलब इस मूवी में बहुत कम ही कैरेक्टर हैं। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, हॉरर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नंबर 5 पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 out of 10। ये एक मिस्टीरियस थ्रिलर मूवी है। अभी तो हर कोई चलाता है और अभी के बारे में सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है। तो एक ऐसी मिस्टीरियस गर्ल होती है जिसमें कॉलेज में बहुत कम लोगों को पसंद करते हैं उसको। तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी का वो फ्रेंड रिक्वेस्ट करती है और उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वही उसका टारगेट होता है और उसके बाद उसके पीछे पड़ जाती है। और वो जो मिस्टीरियस लड़की होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। वीडियो डिलीट नहीं कर पा रही, मेरा अकाउंट भी डिलीट नहीं हो रहा है। वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में कैसे ऐड हो गए? नॉर्मली कोड्स ऐसे दिखते हैं, वैसे नहीं। तो ये क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अब अकेलेपन का एहसास होगा तुम्हें। कैसे नहीं हो सकता? सोचिए, समझिए, जानिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओह, ये कौन है? मेरी क्लासमेट है। नंबर 4 पे हैंडर वाटर, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.8 out of 10। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है। मतलब इसमें होता ये है कि अर्थक्वेक के बाद वो लोग मैरिन ट्रेंच में जाते हैं समुद्र के 7 miles दूर, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ड्रिलिंग करना होता है। उन लोगों को एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड एनर्जी मिलता है ना, जिसको उन लोगों को सामना करना पड़ता है, जो उन लोगों को काफ़ी नुकसान कर देता है। और मूवी एक्शन हॉरर मूवी है ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि समुद्र के नीचे इतने गहराई में एक्शन देखना कुछ अलग ही सीन है। नंबर 3 पे है लाइट आउट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 out of 10। यह एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी है। जितने भी अनआइडेंटिफाइड एक्टिविटी या भूतिया एक्टिविटी और रात में ही क्यों होते हैं, तो इसके पीछे एक मिस्टीरियस स्टोरी है जो मेरे को बाद में पता चला। क्योंकि रात में हम लोग सोते रहते हैं, इसलिए रात को होता है, दिन में हम लोग जगते रहते हैं तो नहीं होता, क्योंकि हम लोगों से डर जाते हैं। ये मिस्टीरियस स्टोरी और मूवी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें पूरे नाइट का ही सीन दिखाया गया। मतलब जैसे ही अंधेरा हुआ, मतलब भूतिया एक्टिविटी हुई। Diana. What did you say? As long as you keep the lights out. नंबर 2 पे है गुड नाइट मम्मी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7 out of 10। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरर थ्रिलर मूवी है, क्योंकि इसमें ना तीन चार से ज़्यादा कैरेक्टर आपको देखने में मिलेंगे पूरी मूवी में।
एक मम्मी होती है और उसके दो बच्चे होते हैं। उसकी मम्मी हमेशा एक्सीडेंट के कारण उसके चेहरे पे एक पट्टी लगी रहती है, तो वो अपने एक बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे से नहीं करते। तो उन बच्चों को कंफ्यूज होता है कि हमारी मम्मी चेंज तो नहीं हो गई कहीं करके। और मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी में 3-4 हज़ार से कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे आपको, तो सो काफ़ी डरावनी लग जाती है। डोंट ब्रेथ जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 out of 10। कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना कि डर से हम लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों के सांसें रुक जाती है। इस टाइप से डर है इस मूवी में, क्योंकि इसमें ऐसी डरावनी है ना कि सांसें रुक देने वाले डरावनी। तो कभी कभी हम लोग डर से इतना डर जाते हैं ना कि बेहोश हो जाते हैं, फिर डॉक्टर आके कन्फर्म करता है कि बहुत ज़्यादा डर गया था और डर से बेहोश हो गया करके। तो अगर इस टाइप से आप मूवी देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको जरूर देखनी चाहिए। Why'd you bring a gun? Stay right there. Test me. Dad, it's me. I messed up real bad. Now you see what I see. वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट करें। थैंक यू।